राजकुमार चाहर जी, आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं क्योंकि जिस तरह से आपने एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत जो है दर्ज की है, उत्तर प्रदेश में जो जीत का डिफरेंस था वीके सिंह जी के बाद आप ही का सबसे ज्यादा था, तो ऐसे में अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश और धर्म की राजनीति ये साथ साथ चलती है, तो क्या बतौर नए सांसद कुछ बदलाव में उम्मीद करें हम आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे किसान के बेटे को ये अवसर दिया कि वो आज वो लोकसभा में पहुँच पाया, और क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से मुझे विजयी बनाकर भेजा और अपना प्रतिनिधि बनाया, और न्यूज नेशन का भी धन्यवाद कि सांसद बनने के बाद पहली बार आपने मुझे यहाँ अवसर दिया बात रखने का। देखिए, हम मेरा मानना यह है कि जितने भी सांसद जो नए चुन के आए हैं उनके निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए काम करने के बड़े सपने हैं जी। वो सब लोग चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में विकास हो, एक नया भारत का निर्माण जो अभी मेरे भाई चर्चा कर रहे थे, और नए भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि मेरा गाँव मेरा देश, मेरा गाँव आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। गाँव के नौजवान को रोजगार के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आ रहे हैं, किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को एक सम्मान किया है, उनको जरूरत की चीज़ों के लिए दिया है कि जिससे वो खाद ले ले, बीज ले ले, तो इस तरह का गांव की समस्याओं का समाधान हो। और मैं तो जहां से आता हूं वह बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी बड़ा फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी रहा है, और वही अकबर खूब कंट्रोवर्सी का विषय भी रहा है। मेरा सवाल ही शुरुआत में यह था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म के बिना चलती नहीं है, तो बतौर सांसद उम्मीद रखूं कि जगहों के नाम बदलने, रोड्स के नाम बदलने, इन सबसे ऊपर उठकर हमें कुछ काम देखने को मिलेगा? देखिए, फतेहपुर सीकरी में समस्या है पानी की। अकबर छोड़ के चले गए थे फतेहपुर सीकरी। अरे बाप रे, अभी तक तो सिर्फ 60 साल कांग्रेस को ब्लेम करते थे, अकबर को भी ब्लेम करेंगे आप? पिछले अकबर चले गए, अकबर को तो बख्श दीजिए भाई, आप जरा इतिहास की तरफ नजर डालिएगा। ठीक है, इतिहास ठीक है, लेकिन अकबर चले गए थे पानी की वजह से। अब वो 60 साल और अकबर के जमाने में कोई बहुत फर्क नहीं है। अच्छा, तो मेरा आपसे यही है कि फतेहपुर सीकरी में पानी की जो समस्या है बहुत बड़ी, उसका निराकरण हो और मेरे जो क्षेत्र के गांव हैं पूरे देश के गांवों का विकास हो, नौजवान हमारा आगे बढ़े, यही हमारा प्रयास है। क्योंकि अटल जी की नगरी भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आती है, बटेश्वर है हमारे यहाँ, और बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिवार का जन्म वहीं हुआ था, तो उस क्षेत्र से हम आए हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि फतेहपुर सीकरी की जनता का और वहाँ के किसानों का, गाँव का, गरीब का, नौजवान का, छोटे दुकानदारों, बेरोजगारों का, ये आगे बढ़े, नए भारत का निर्माण हो। माननीय मोदी जी ने जो सपने देखे हैं भारत के, चलिए मोदी जी के सपने सब पूरे करेंगे और क्या कुछ बदलाव होगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगी कि सपने तो ठीक हैं, चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन किस एजेंडा पर काम होगा, थोड़ा रोडमैप भी बात हो तो अच्छा लगेगा।